क्यों? क्लास 8 में हो, पक्की बात है मन में तुम्हारी दो ही चीजें चल रही होंगी। या तो तुम ये सोच रहे होगे कि अभी क्लास 8 में है, आगे पहाड़ जैसा क्लास 9th और 10th आएगा, खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, मस्ती करने का टाइम ही नहीं मिलेगा यार, अभी 8th में ही भर भर के मस्ती कर लेते हैं, पढ़ाई साइड करो यार। या तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा आगे पहाड़ जैसा 9th और 10th, बहुत पढ़ना रहता है, नंबर लाना जरूरी है, नंबर नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब 9th 10th के लिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्लास 8th में थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो हमारा मन ना पढ़ाई और मस्ती के बीच में झूल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास 8th में मस्ती करे कि पढ़ाई करे। चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि सर मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर ले? बिल्कुल हो सकता है। तो आज इस वीडियो में क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई तो सर आप किस वीडियो के बिना भी कर रहे थे, तो रोड मैप की क्या रिक्वायरमेंट? तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल कि आखिर रोड मैप की जरूरत है क्यों? तो इसका एक रीजन तो शुरू में ही मिल गया कि सर अगर कोई ढंग का रास्ता हो जिस पे चल के हम मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर ले तो मजा ही आ जाए सर जी, क्या ही कहने। तो ये रीजन तो शुरू में ही मिल गया। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए हमें रोड मैप की एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमें पूरे क्लास 8th में एक ऐसा ढंग का रास्ता दिखाए कि कम मेहनत करके हम ज्यादा अचीव कर पाए। तो आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ तो स्कूल टाइम में हुआ भी था कि यार जब हम क्लास 7th में थे ना, तो क्लास 7th में मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त उतना ही पढ़ता था जितना मैं पढ़ता था, मस्ती भी उतनी ही करता था जितनी मैं करता था, होमवर्क भी उतना ही बनाता था जितने मैं बनाता था, लेकिन यार वो मेरा दोस्त टॉप कर जाता था और मैं तो बहुत पीछे रहता था। तो सब काम बराबर हो रहा है तो आखिर कहां दिक्कत है, कहां ऐसा पेच फंस रहा है हमारा कि हमारा वही दोस्त उतनी ही मेहनत पे टॉप मार जा रहा है और हम पीछे रह जा रहे हैं? तो मतलब कुछ तो गलत कर रहे होंगे यार। देखो अगर आपको एक टारगेट एक एम नहीं दिखता है ना, तो आप कहीं पे भी चलने लगते हैं। तो क्लास 8th में बिना एक टारगेट बिना एम के पढ़ने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे, यानी आप जो क्लास 8th में अचीव करना चाह रहे हो ना, ये नहीं अचीव कर पाओगे। तो अगेन इस वजह से भी रोड मैप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जब एक मार्गदर्शक यानी आपके प्रिंसेंस से आपका क्लास 8th में मार्गदर्शन करेंगे तो हमारी ये पूरी 8th की जर्नी मक्खन की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, मजे मजे में सब कुछ पढ़ लेंगे भैया और आगे के लिए अपने आप को तैयार भी करेंगे। किसी स्कूल में आरडी शर्मा सर की बुक, किसी स्कूल में आरएस अग्रवाल सर की बुक, किसी स्कूल में एस चांद सर की बुक, तो हम कौन सी किताब करें सर? क्या हमारे स्कूल में जो चल रहा है हम वही करें, या सर आप सजेस्ट कर दो, सेंसेई आप सजेस्ट कर दो कि हम निंजास कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें कि एक तो क्लास 8th में कम पढ़ाई करके भी ज्यादा नॉलेज गेन हो जाए, हम बहुत बेहतरीन नंबर अपने एग्जाम में लेकर आए, हम एग्जाम में 100 में 100 फोड़ के आए और साथ साथ अपने आगे के लिए 9th 10th के लिए बेसिक्स को भी मजबूत करके जाए। अब आपके सामने मैं सिलेबस कंपैरिजन दूंगा साइड बाय साइड, ध्यान दीजिएगा मेरी उंगलियों पे। तो भैया जी एक साइड आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस है जहां पे आपको सिर्फ 13 चैप्टर दिख रहे होंगे क्लास 8 में, और दूसरे साइड आपको दिख रहा होगा कि भैया आरएस अग्रवाल का सिलेबस है जहां 26 चैप्टर है, डबल। आप कहोगे भैया ये तो ना इंसाफी होगी, एनसीईआरटी वाले सिर्फ 13 पढ़ रहे हैं, आरएस अग्रवाल वाले 26 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तब तो एनसीईआरटी जिनके स्कूल में चल रही है भैया, उनके तो मजे ही मजे हैं, उनका सिलेबस उनके सारे टॉपिक्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए सर? अब इस क्या करना है इसका जवाब ढूंढते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए एनसीईआरटी मैथ्स में एक बहुत अमेजिंग बुक है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी नाव क्रॉस कर लेगी, तो आप गलत हो। एनसीईआरटी आप करो, मैं मना नहीं कर रहा, एनसीईआरटी से आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जांपल करो, लेकिन आपको मेन बुक एनसीईआरटी नहीं बनानी। सुनने में थोड़ा पटा लग रहा होगा कि सारे टीचर तो यार एनसीईआरटी करने को कहते हैं, सर तो उल्टा ही कह रहे। जी हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी आपकी मेन बुक नहीं होनी चाहिए, एनसीईआरटी बनानी पूरी है आपको, प्रैक्टिस पूरी करनी है, हर एक सवाल हर एक सॉल्व एग्जाम्पल, मेन बुक एनसीईआरटी नहीं होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपकी सेकेंडरी बुक होनी चाहिए। यानी आपके स्कूल में कोई भी बुक चल रही है, आपको अपनी मेन बुक या तो आरएस अग्रवाल सर की बुक बनानी है या आरडी शर्मा सर की बुक बनानी है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। आप कहोगे सर लेकिन उन बुक्स में तो 26-26 चैप्टर है। कोई बात नहीं, 26 चैप्टर है तो क्या होगा, आप अगर ढंग से प्लान करके चलो तो आप बड़ी आसानी से टाइम से पहले पहले, मतलब अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम फरवरी में होंगे, यानी कि उस हिसाब से दिसंबर तक में तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बड़ी आसानी से आपके ये 26 चैप्टर कंप्लीट होंगे। अब ये जो मैंने आपको बुक कही उसको मेन बुक बनाने का फायदा ये है ना,
बहुत ध्यान से सुनना कि एक तो आपकी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैथ्स में क्या है, वैरायटी इज एवरीथिंग। तुम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी प्रैक्टिस करोगे भैया, तुम मैथ्स में उतने अच्छे होते जाओगे। तो तुमको एक ऐसी बुक पकड़नी है जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा हो। इसलिए मैंने आपको आर एस अग्रवाल सर की बुक या आर डी शर्मा सर की बुक को मेन बुक बनाने को कहा, क्योंकि इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ढेर सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इतनी ज्यादा वैरायटी जब प्रैक्टिस करोगे तो मजाल है कि आपके स्कूल का पेपर कितना भी टफ आ जाए और तुम फुलनेस स्कोर कर पाओ। यार ऐसा हो ही नहीं, फुल तुम बिल्कुल स्कोर करो। अब सेकंड पॉइंट है जो हमारा था कि भैया नाइन्थ के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब पता है नाइन्थ में जब जाओगे ना, एक बड़ी प्रॉब्लम होगी तुम। नाइन्थ में जो मास्टर जी या मास्टरनी जी आपको पढ़ा रहे होंगे, वो आपको पता है क्या बोलेंगे? नाइन्थ में कुछ भी टॉपिक चल रहा है, मान लो कोई बीच में एट्थ का कंसेप्ट आ गया, तो वो तुमको कहेंगे कि बच्चों ये तो हमने एट्थ में पढ़ा है, आपको सर ने मैम ने एट्थ में पढ़ाया होगा, तो ये चीज मैं क्या बताऊं, ये आपको आती होगी, और वो आगे बढ़ जाएंगे। अब तुम सोचोगे मन में कि यार सर तो बहाना मार के आगे बढ़ गए, मैम तो बहाना मार के आगे बढ़ गई, हमें तो एट में ये पढ़ाया ही नहीं गया था। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि किसी बुक में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, किसी बुक में कम दिए हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एक ऐसी बुक बनाने को कह रहा हूँ, एक ऐसी बुक रेफर कर रहा हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी और आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिक्स को एट में स्ट्रॉन्ग कर लोगे। वरना नाइन्थ में पता है क्या होगा, नाइन्थ का जो पढ़ना पड़ेगा वो तो पढ़ना पड़ेगा ही, साथ साथ ये जो एट्थ आपका छूट गया था कोई कोई टॉपिक, वो भी आपको नाइन्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। यानी बर्डन पे बर्डन, डबल बर्डन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो डबल बर्डन से बचना है तो इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल में जो भी बुक फॉलो हो रही है फॉलो होने दो, लेकिन तुमको खुद से या तो आर डी शर्मा सर की बुक या आर एस अग्रवाल सर की बुक से प्रैक्टिस करनी। तो ये जब आप काम करोगे तो ये जितनी प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कशन किया वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कहोगे हाँ सर आपकी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई कि कौन सी बुक से हमें प्रैक्टिस करनी। अब अपने थर्ड पॉइंटर पे आते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोई बैच परचेस करना चाहिए, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे एट्थ रिलेटेड मैथ्स में हमें वीडियोस मिल जाते हैं, सर वो देखने से हो जाएगा। आइए अब इस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो देखो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो खुद करने से ना हो पाए। अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन खुद जब करने जाते हैं ना तो हमारा समय बहुत बर्बाद। तुम पहली बार क्लास 8 में पढ़ रहे हो, कहोगे हाँ सर सही बोल रहे हो, हाँ सेंसे सही बोल रहे हो। तो सर हम पहली बार क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर हमें कोई बताने वाला नहीं है कि चलो इस टॉपिक को इतना ही पढ़ो छोड़ दो, इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ो ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो अगर कोई ये गाइड करने वाला नहीं है ना सर, तो बिना गाइडेंस के हम तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी की जा सकती है, सेल्फ स्टडी में दिक्कत भी नहीं है। आप अपने स्कूल के पढ़ाई पे भी डिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन ये जो गाइडेंस की कमी है ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी, एट्थ में भी नुकसान देगी, आगे 9th-10th में भी नुकसान देगी। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपको एक ऐसे मेंटर को मैथ्स में फॉलो करना है ना, जिसका सालों का एक्सपीरियंस हो, जो सिलेबस को बहुत अच्छे से जानता हो, जो आपको बहुत अच्छे से ये गाइड कर पाए कि देखो यार ये टॉपिक ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही सेम टॉपिक्स 9th-10th में मिलेंगे। अच्छा ये टॉपिक थोड़ा आराम भी पढ़ सकते हो, थोड़ा ढीला भी चल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आगे 9th-10th में नहीं आएगा। तो एक ऐसा मेंटर आपको मैथ्स में मिलना चाहिए, और इस मेंटोर की गाइडेंस में अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी 8th की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, मानो मेरी बात। तो यहाँ पे अब मुद्दे पे आते हैं। सर सेल्फ स्टडी से करना मुश्किल काम है, सेल्फ स्टडी से हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी सर कि या तो हम यूट्यूब से देख लें, क्योंकि यूट्यूब पे हमें बहुत सारे फ्री वीडियोज मिल जाएंगे क्लास 8th में सारे चैप्टर्स के, या फिर हम कोई अच्छा सा अफोर्डेबल बैच परचेस कर ले जिसमें बकायदा हमें सारी परेशानियों का समाधान दिया जाए। अब आप YouTube से भी फ्री में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, YouTube पे क्लास 8 के मैथ्स के सारे चैप्टर्स के आपके वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम अगेन क्या है कि 8th में जो आपको YouTube पे वीडियोस मिलेंगे वो मिलेंगे वन शॉट, यानी टीचर क्या करता है कम टाइम में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो अगर आप कोई चीज कम टाइम में करोगे तो थोड़ा तेज करोगे, कहोगे हाँ सर, तो कम टाइम में तेज चीज सुनोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, मन में डाउट रह जाए, कहोगे हाँ सर बात तो आप सही बोल। तो YouTube से भी किया जा सकता है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स बनेंगे और डाउट्स क्लियर करवाने वाला कोई नहीं होगा। तो बात वही आके फंस गई कि सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, सर YouTube पे सिर्फ पढ़ रहे हैं फ्री में तो भी फंस रहे हैं। तो मेरी पर्सनल बात मानो यार, आप एक ऐसा बढ़िया सा बैच ज्वाइन करो ना जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट मिले, एक ऐसा बेहतरीन मेंटर मिले जो कि आपको बहुत अच्छे से हर एक बारीकी पे गाइड कर पाए, क्योंकि आपका जो मेंटर सालों का एक्सपीरियंस रखेगा ना वो इस बैच में झोंक देगा
और आपको कम टाइम में मजे मजे में पूरी तैयारी करवा देगा। यानी कि मैथ में तुम्हारा 100 में 100 लाने का सपना है, आपका ये मैथ्स का मेंटोर पूरा करेगा। आगे 9 10th के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का सपना है, ये भी आपका ये मेंटोर बिल्कुल पूरा करेगा। अब आपके मन में एक अगला सवाल आएगा, ठीक है सर बैच जरूरी है, लेकिन सर बैच तो बड़ा महंगा होगा ना, कम से कम सर हमारे स्कूल कितनी फीस है, कम से कम बैच 5-6 हज़ार का तो होगा ही। अरे नहीं यार, आपको अगर मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैच बता दूं क्लास 8 का तो कैसा रहेगा, हमारा उमंग बैच। तो भैया हमारा उमंग बैच भी लॉन्च हो चुका है, हमारा उमंग 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। तो आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, और आप आराम से बैच ज्वाइन करने के बाद ये जितनी प्रॉब्लम है ना इसका समाधान निकाल दो। यानी कि आपको बैच में मैथ्स के अंदर एक ऐसा मेंटोर मिलेगा, एक ऐसा सेंसेई मिलेगा जो आपको इस तरीके से गाइड करेगा कि फोड़ के रख दोगे यार, मचा के रख दोगे पेपर में भी और आगे 9th 10th के लिए, ठीक है ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो आपके प्रिंस सेंसेई आप लोगों को उमंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है उमंग 2025 बैच, और ये बैच बिल्कुल भी महंगा बैच नहीं है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बैच है, बहुत अफोर्डेबल बैच। मतलब अगर आप थोड़ी सी मैथ्स लगाकर अपने मम्मी पापा को बोल देना कि अभी थोड़े हम छोटे हैं मम्मी पापा, आप हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेट कर लो, तो अगर आप थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे तो ये जो बैच का प्राइस है ना, ये बैच का प्राइस आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो महीने के हर महीने वाइज मंथली बेसिस पे जो पैसे निकल के आएंगे ना बैच के, वो इतने कम होंगे कि भैया इतना तो तुम आने जाने में रिक्शा से खर्च कर देते हो। तो ये याद रखना कि ये बैच आपके ट्यूशन कोचिंग से कहीं गुना ज्यादा सस्ता है। एक बार लगभग 2,500-3,000 रुपए आपको देने हैं, और भैया पूरी क्लास 8 की तैयारी के लिए अब आप बेफिक्र हो जाओ, तगड़े तरीके से आपके मेंटर्स करने वाले। और बैच लेने में बस ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई होगी, टाइम टू टाइम बैच में आपके टेस्ट होते रहेंगे कि भैया हम कितना पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट होना चाहिए ना, तो बैच में टेस्ट होते रहते हैं। आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए खुद टीचर्स होमवर्क देते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं कि लो भैया ये होमवर्क का सवाल नहीं बना, कैसे बनेगा हम वीडियो में देख लेंगे। तो पढ़ाई भी हो रही है, टेस्ट भी बैच में हो रहा है, होमवर्क भी मिल रहा है, और पर्सनल मेंटोरिंग भी मिलती है। यानी कि टीचर आपको पढ़ाता भी और गाइड भी करता रहता है कि चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो काम हो जाए। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपको बस एक बार पे करना है, अगर इतना बेहतरीन इतना पावरफुल क्लास 8 का बैच मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि भैया ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस करनी चाहिए। तो जरूर से या तो आप उमंग 2025 बैच या फिर आप उमंग 2.0 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, अराउंड 3000, क्लियर है, ठीक है सर। अब अपने फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं कि सर हम कुछ भी करें, अब देखो ये मैंने तुम पे छोड़ा, तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम YouTube से पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम बैच लेना चाहते हो कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि हर बच्चे के पास हो सकता है 3000 रुपए ना हो, कोई बात नहीं यार, हर चीज का उपाय मैंने आपको बताया। अगर आप सेल्फ स्टडी या YouTube से भी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो भैया जी, PW आपके साथ है, फिजिक्स वाला आपके साथ है, आप फिजिक्स वाला लिटिल चैंप्स चैनल से पढ़ के बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का आइए देखें। तो ये जो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं ना, ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कि कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करें। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे देखे, बहुत प्यारे प्यारे निंजास देखे, जो ना अलग अलग टाइप के बस सवाल बनाते रहे, चैप्टर में क्या कंसेप्ट है क्या लॉजिक लग रहा है, इनसे उनको कोई लेना देना, टीचर ने बता दिया ये सवाल ऐसे बनेगा, उन्होंने मान लिया वो बना रहे। तो ये नहीं करना है, आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना है, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना है कि भैया जी ये टॉपिक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा फिर हमने उससे रिलेटेड सवाल बनाए। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर मैं नोट्स मेकिंग की बात करूं तो आपको ना नोट्स के लिए 2 कॉपी रखनी। कैसे 2 कॉपी से? तो एक कॉपी आप फ्री लेक्चर से देख रहे हो, आप पेड बैच में अपने टीचर से पढ़ रहे हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक कॉपी ऐसी कॉपी होगी ना जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, यानी कंसेप्ट भी है आप साथ साथ कुछ एग्जांपल के सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी कॉपी क्या होगी ना, क्वेश्चन सॉल्विंग कॉपी होगी। क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब सर वहां सिर्फ सवाल बनाने नहीं, वो वाली क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्ट उस कॉपी में होंगे। यानी कि आप कभी भी जब एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड सवाल बनाते हो तो एक पर्टिकुलर कुछ लाइन कुछ चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि हाँ बुक में ये लिखा था, सर ने ये बताया था कि ये बात याद रखेंगे हर सवाल बनेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना सवाल सॉल्व करने की, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनी सेकंड कॉपी में नोट करनी है। तो क्या मैंने बोला, एक कॉपी जिसमें प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे, नॉर्मल थ्योरी लिखा सवाल बनाए ये चल रहा होगा उसमें,
और एक कॉपी जिसमें सवाल सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बस आप लिखोगे कि भैया ये वैरायटी का सवाल, ये स्ट्रेटजी, ये दो लाइन में लिख दी। ये वैरायटी का सवाल, एक एग्जांपल लिखा सवाल का, नीचे स्ट्रेटजी लिख दी। सवाल का एग्जांपल लिखा, नीचे स्ट्रेटजी लिख दी। क्योंकि रिवीजन के समय ना उतने नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता, वो स्ट्रेटजी कॉपी झट से आपका काम कर लेगी। तीसरा पॉइंट कि कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो पहली बार में नहीं बनते, हाँ सर होते तो वो जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनते हैं ना, उन क्वेश्चंस को पेंसिल से ही बुक में या जिस कॉपी में सॉल्व करो वहां मार्क। तो जब रिवीजन करोगे ना वापिस से चैप्टर का, तो सारे सवाल रिवाइज मत करना। वो जो तुमने मार्क किए थे ना, मार्क किसको किया था? जो पहली बार में सवाल नहीं बने थे, कहोगे हाँ सर, सिर्फ उनको रिवाइज करना। आपका कम टाइम में बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। कहोगे वाह सर, आइडिया तो आपने बढ़िया दिया। अगेन, रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अभी अगस्त 15 यानी कि सर अगस्त में 15 दिन बाकी है, उसके अलावा पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर मान लें, तो सर कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4.5 महीने है लगभग। तो 4.5 महीने में ना आप बड़ी आसानी से अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगस्त में तुमने डिवाइड किया कि यार 2 चैप्टर अगस्त में मैं खत्म कर लूंगा। भाई जो मैंने आपको बुक रेफर की उसमें तो 26 चैप्टर, तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि सर मेरे पास 4.5 महीने हैं तो 15 दिन में 2 चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है कितने बचे? 24 चैप्टर सर। अब 24 चैप्टर को मैं 4 महीने में 6-6 करके डिवाइड कर दूंगा, 6×4=24, यानी मेरा टारगेट रहेगा 1 महीने में मेरे 6 चैप्टर हो जाने चाहिए। बस इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे तो टाइमली हमारा सिलेबस भी खत्म होगा। और ये हो जाएगा क्यों? क्योंकि आपके 8 के सिलेबस में ना कुछ ही चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, मैक्सिमम आपके क्लास 8 के चैप्टर ना छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो सुनने में लग रहा होगा ओ माय गॉड 1 महीने में 6 चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हैंडल हो जाएगा अगर आप हैंडल कर लोगे। तो इस तरीके से ना आपको डिवाइड कर लेना। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर टाइम के साथ कैसे डिवाइड करना है ये स्ट्रैटेजी बताई, इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और बाकी अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो और प्रिंस सेंसेस से पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज मैं क्लास में, और भी बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज मैं क्लास में शेयर करता ही रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों का अगर आप ध्यान रखिएगा ना, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, यूट्यूब से भी कर रहे हो ना, फिर भी आप बहुत अच्छे से अपने क्लास 8 की तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये रोड मैप क्लास 8 का आपको अच्छा लगा होगा, जो कि आपको क्लास 8 के लिए तो तगड़े तरीके से तैयार करेगा ही करेगा, साथ साथ आगे जो पहाड़ आना है 9th-10th का उसके लिए भी तैयार करेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको मेरे साइट से और भी ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।